मुकाबला करना है तो सियासत के मैदान में करो, इलेक्शन में करो। बेशर्मो, बेशर्मो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं तकरीबन सुबह होने को है, मगर अभी भी गिलगित के लोग आर ऑफिस के बाहर धरना किए बैठे हैं और उनको अपने रिजल्ट का इंतज़ार है, मगर उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ उन्होंने भी कसम खाई है कि जब तक हमें रिजल्ट नहीं दिया जाता हम यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। यानी हमें खान साहब का ऑर्डर है कि जब भी इलेक्शन हो आपने अपने वोट का पहरा देना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर धांधली होती है। इस मुल्क में अक्सर इसी तरह की वारदात डाली जाती है, रात को एक रिजल्ट होता है, सुबह रिजल्ट चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ आवाम ने यह नारा लगा दिया है इन 13 पार्टियों को और इनके सहूलतकारों को कि आप बेशर्मों की तरह आइन तोड़कर, कानून तोड़कर खान का मुकाबला न करें, मर्दों की तरह आकर इलेक्शन के मैदान में खान का मुकाबला करें। अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं कि टोटल 20 या 25 हज़ार वोटों की गिनती की बात है, मगर आज दूसरे या तीसरा दिन है कि लोग आर ऑफिस के बाहर बैठे हैं मगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। बात गिनती की नहीं है, दरअसल सब लोगों को यकीनन पता है कि बात कुछ और है। ये लोग वारदात डालना चाहते हैं, ये पीटीआई को जीतते हुए देख नहीं सकते हैं। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा, देखते हैं कि आज इस मामले का कोई रिजल्ट सामने आता है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। इमरान खान का मुकाबला करना है तो सियासत के मैदान में करो, इलेक्शन में करो। बेशर्मो।